Most welcome in Stanford is everyone. Let's learn today's fantastic lesson, that is print media 2. And rat karne ka samajh ke seekhna hai to aaj hi join kar Stanford is ko www.stanford.in पे जाके या फिर 888-2875 पे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करके ना मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टैनफोर्ड के कोर्सेज को और लाइव जूम पे क्लासेस होंगी लाइव जूम पे, ठीक है, वन टू वन डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के लेसन की लर्निंग, क्या खास चीजें हम सीखने वाले हैं आज के लेसन में। दैट इज बाय टाइप्स ऑफ न्यूज़ की बात करेंगे कि कितने तरह के न्यूज़ होते हैं, क्योंकि इसके बिना आप न्यूज़ को सही तरीके से पढ़ ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट इज बायस, सेकेंड इज एग्जैगरेशन, नेक्स्ट इज फेक, देन रियल। तो चार तरह के न्यूज़ होते हैं हमारे प्रिंट मीडिया में और करंट मीडिया सब तरफ। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा एग्जैगरेशन है, कौन सा बायस है। नेक्स्ट इसका मतलब भी समझेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट किस तरीके से होती है, एक फैक्ट होता है, ओपिनियन, इन्फ्रेंसेज। तो ये क्या है, ये तीन तरह के न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो इस पर बात करेंगे फिर। और ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं ऑडियो वीडियो की हेल्प से, एक्टिविटीज से, ग्रुप डिस्कशन से, प्रेजेंटेशन से, और वी हैव सम सिलेक्टेड पैराग्राफ्स इन योर बुक्स एक्सरसाइज, तो बुक्स एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं आज का ये फैंटास्टिक। So everyone, today we have a fantastic question already, but I will tell you that live. You'll know the question of the day live. We'll share the question of the day live. So question of the day live, but recap section is very important. We need to recap that what did we learn in the last lesson, as the last lesson is a brother, or you can say sister, twins, brother or sister of this current lesson. So please let's recap. What did you learn in the last lesson print media? Last lesson print media 1 में आपने क्या सीखा है? Please share करें। आपने personally क्या सीखा है वो share करना है आपको। ये नहीं कि हाँ ये points थे, points नहीं गिनवाने हैं। Next thing, how does print media influences your choices and behavior? इससे पहले ये सवाल पूछो, आप बताइए क्या newspaper देख के और उसमें आने वाले एड्स या न्यूज़ को देख के आप अपने चॉइस बदलते हो? जो उसमें कैंपेन, एड कैंपेन होता है, किसी चीज़ के बारे में तारीफ होती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई खाने का प्रोडक्ट हो सकता है, दवाई हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, मेकअप का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिम का सामान हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, मतलब स्टडी से रिलेटेड, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो क्या मीडिया में, प्रिंट मीडिया जो न्यूज़ आता है, जो एडवर्टीजमेंट आता है, वो आपके चॉइस और बिहेवियर को चेंज करता है? मान लो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें गलत कुछ भी लिखा जा रहा है, तो क्या आप उस कम्युनिटी से नफरत या फिर उससे दूरी बनाना शुरू करते हो? कि तो मतलब ये चीज़ें क्या शो करती है कि प्रिंट मीडिया की वजह से आपके चॉइसेस में और बिहेवियर में चेंज आता है, या फिर इससे आपके प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, क्या ये इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं, कैसा होता है? सो दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ डज प्रिंट मीडिया इन्फ्लुएंसेस योर चॉइसेस एंड बिहेवियर? कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हम लोग बार बार जिस चीज़ को एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसा ख्याल आता है कभी कभी। किसी चीज़, किसी के बारे में अगर बार बार कुछ लिखा जा रहा है, तो हम सोचते हैं यार वो लोग बुरे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए या फिर उनसे नफरत करना, ऐसा लोग सोचते हैं। सो वॉट इज़ योर ओपिनियन, लेट्स शेयर इन प्रेजेंटेशन, ओके। नेक्स्ट, हाउ प्रिंट मीडिया लाइक अदर मीडिया नीड्स टू बी रीड क्रिटिकली? कैसे प्रिंट मीडिया को भी अदर मीडिया की तरह ध्यान से समझना और परख कर पढ़ना चाहिए? बार बार कुछ एंकर्स हैं, कुछ ईमानदार न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो कहते हैं कि आप न्यूज़ पढ़ो, कोई सा भी पढ़ो, कोई सा भी देखो, बट
अपना दिमाग इस्तेमाल करो, चीज़ों को अदर रिसोर्सेज से मैच करो, टैली करो और फिर उस पर ट्रस्ट करो। क्योंकि आज की जो न्यूज़ है, आज का जो मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा बायस हो चुका है और कई मायनों में बिक भी चुका है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि, और क्योंकि उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर लोगों का कुछ हिस्सा होता है, तो उनके साथ ही मजबूरी है कि वो अपने मालिकों की उनको सुननी पड़ती है, और जो नहीं सुनते हैं उनको ख़रीद लिया जाता है, ठीक है, उनके मालिक उनको खरीद, जो पैसे वाले होते हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो सामंतवाद है, राजवाद है, इसके बाद एक काल आएगा जब पूंजीवादी लोग, मतलब कि बिजनेसमैन जिनके पास पैसा होगा, वो शासन करेंगे। तो सही बात है, आज जो भी उनके खिलाफ जाता है, अगेंस्ट जाता है, चाहे वो चाहें तो गवर्नमेंट गिरा दें, वो चाहें तो मीडिया हाउस ख़रीद लें, पर चीज़ों को करवाते अपने हिसाब से हैं, ठीक है। जिनका 12,000 करोड़ का घर ही है, सोचो अगर सारे, मतलब पूरा पार्लियामेंट को बुला के बोल दें कि हाँ तो चलो सबको 100-100 करोड़ दे रहा हूँ, तो सब बिक जाएंगे। हालात ऐसे ही हैं। सो न्यूज़ चैनल्स में भी मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं लोगों का है, हम आप जैसे मिडिल क्लास या गरीब लोगों का शेयर मीडिया के अंदर नहीं है। तो हम जो देखते हैं वो फुली कॉम्प्रोमाइज होता है, बायस होता है। तो जो न्यूज़ है उसको अब हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझ के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चलिए सीखते हैं आगे इसी लेसन में। हेलो, सो नाउ अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़ेस आर देयर इन प्रिंट मीडिया और एनी मीडिया। कितने तरह के न्यूज़ेस होते हैं आपको जो भी न्यूज़ सुनने को मिलता है, जो भी न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में मिलता है, आप क्या करते हो, उसको सच मान लेते हो। दैट न्यूज़पेपर में आया है ये सच है, न्यूज़पेपर में ऐसा न्यूज़ आया है, दिस इज़ द फैक्ट। बट नो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूज़ेस इन एनी मीडिया। खासतौर से न्यूज़पेपर्स की बात करें तो तीन तरह के न्यूज़ेस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज ओपिनियन, सेकेंड इज इन्फ्रेंसेज, थर्ड इज फैक्ट। इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज, दे आर 50% news which is inference, 30% news that is opinion, and only 20% news that is facts. पूरी की पूरी न्यूज़पेपर में कोई सा भी आप उठा कर देख लो, उसमें मैक्सिमम 20% ही फैक्ट होता है, सच होता है, सच्चाई होती है, ठीक है। 30% ओपिनियन होता है एंड इन्फ्रेंसेस 50% होता है। जैसे कि आप न्यूज़ देखते होगे, आप समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। अगर मान लो कि कोई न्यूज़ बनाना है, कुछ न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़पेपर वालों को क्या हुआ कि उनको एडिटर को एक लाइन मिला, एक लाइन के सहारे वो पूरा का पूरा पैसेज लिख देंगे, पूरा का पूरा आधे पन्ने का न्यूज़ बना देंगे, और लिखेंगे क्या वहाँ पे, इन ओपिनियन ऑफ फलाना पर्सन, इन ओपिनियन ऑफ ढकाना पर्सन, और आप उस न्यूज़ को सच मानोगे। लेकिन अगर कोई इंसान उस पर क्लेम करेगा, कोई इंसान उस पर क्लेम करेगा, केस करेगा न्यूज़पेपर पे कि इसने ये गलत क्यों छापा, तो वो कहेंगे अरे हमने न्यूज़ में फैक्ट बोलकर थोड़ी ना छापा है, हमने तो राय छापी है लोगों की कि लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैंने क्या कहा, ओपिनियंस, कि फलाने ने ऐसा सोचा, उन्होंने वैसा सोचा। जैसे कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, अब मान लो किसी पार्टी से पैसे ज़्यादा मिल गए, अब उसकी हवा बनानी है, तो क्या कहेंगे कि फला लोग भी, इस कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि ये पार्टी जीतेगी, इस कम्युनिटी का भी कहना है कि यही पार्टी जीतेगी। तो ये क्या है कि एक हवा बना दिया, तो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको क्या लग रहा है कि अरे सब लोग कह रहे हैं कि वही पार्टी जीतेगी, चलो हम भी उसको वोट दे के आते हैं, हम उसको जिता के आते हैं, क्योंकि हमारा वोट नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वोट वेस्ट होने वाला, ये बहुत ख़राब है इंडिया में। तो क्या होगा कि ओपिनियन, अब वहाँ पे अगर कोई दूसरी पार्टी वाले केस करेंगे तो उन्होंने कहेंगे अरे हमने तो बस ओपिनियन छापा है, राय छापी है कि वैसा वो लोग सोचते हैं, अब सही में सोचते नहीं सोचते हैं ये आप पता करो जा करके, ये हमारा काम नहीं है, हमें चार लोगों से सुनने को मिल गया, हमने छाप दिया, तो हमने लिखा है वहाँ पर, ठीक है, उसकी राय, इस समाज की राय ऐसी है, इस कम्युनिटी की राय वैसी है। तो वो हो गई ओपिनियन वाली। इन्फ्रेंसेज अक्सर आपने देखा होगा सूत्रों के हवाले से, आज तक पूरे हिस्ट्री में सूत्र का पता नहीं चल सका कि आखिर ये सूत्र है कौन।
तो सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला है कि ऐसा हो सकता है, सकता में ऐसे निर्जर होते हैं, और सूत्रों के हवाले से, तो सूत्रों के हवाले से पूरा का पूरा आधा न्यूज़पेपर भरा होता है, जहां न्यूज़ जो होता है सूत्रों के हवाले से होता है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना बहुत दूर तक नहीं होता है, शायद ही कहीं कुछ सच्चाई से टैली कह जाए। जैसे कि कल इस कम्युनिटी के लोगों ने उन लोगों को मार दिया सूत्रों के हवाले से। अब उन्होंने मारा कि नहीं मारा कौन जानता है, पर इस पर दंगे हो गए, लोग आपस में भिड़ गए, लड़ गए। बाद में जब केस वेस हुआ तो पता चला क्या, वो तो सूत्र के हवाले से था, हमें ऐसा सुनने को मिला था तो हमने छाप दिया। आप जाके पूछो, हो तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। और सबसे ख़तरनाक तो हेडलाइंस होता है, सबसे ख़तरनाक हेडलाइन होता है, और अक्सर लोग 90% लोग हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं, पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ये दूसरी गलती है। अब आते हैं फैक्ट पे। फैक्ट वो न्यूज है जो सच में सही न्यूज होता है। तो फैक्ट्स में क्या होगा, फैक्ट्स की पहचान कैसे होगी, कि इसमें किसी ऑफिशियल नोट होगा, किसी की नोटिस होगी, या किसी केस नंबर, नोटिस नंबर, या किसी विभाग के ऑथराइज्ड पर्सन का स्टेटमेंट होगा, तो वो होता है फैक्ट। अगर उसमें डेट टाइम डिटेल्स दिया हुआ है, दैट इज़ फैक्ट। अब मान लो कि जैसे चुनाव, जैसे कि आपका न्यूज़ आता है मैच का, तो इंडिया चाइना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से इतने विकेट, इतने बॉल से जीत गई और इन्होंने अच्छी पारी खेली, तो ये क्या है, एक डेटा से भरा हुआ है, डेटा है उसमें, तो वो फैक्ट है। अब देखिए, इलेक्शन के टाइम एक रुझान आता है जिसका दूर दूर तक सच्चाई से ज़्यादा मुलाकात, या फिर ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट सच्चाई से ज़्यादा नाता नहीं होता है, और वो रुझान कहलाता है, जिसको इन्फ्लुएंसेस या ओपिनियन के रूप में आप ले सकते हो, ठीक है, जिसको सच्चाई नहीं मान सकते, पर लोग उसको सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये चीज़ न्यूज़पेपर में है तो ये सच है। पर न्यूज़पेपर में छपने वाला 70-80% कॉन्टेंट सच नहीं होता है। तो अब इलेक्शन जीतने के बाद कौन सी पार्टी कितने इससे जीती है, जो रियल फैक्ट, अगर कोई न्यूज़पेपर वाले, लगभग हमारी 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, अगर 60 करोड़ लोगों का भी सर्वे करते हैं, उसके बाद कुछ छापते हैं उतने सर्वे के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं फैक्ट्स में रखा जा सकता है। पर जितने भी लोग सर्वे करते हैं वो मुश्किल से 10 लाख लोगों तक पहुँचते हैं, उससे ज़्यादा लोगों की राय नहीं लेते हैं, जबकि वोटिंग कितने करते हैं, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, तो उसमें 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होती है, 10 लाख लोग बहुत कम परसेंटेज है, अगर आप कुछ सही न्यूज, सही चीज़ बाहर लाना चाहते हो तो। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ओपिनियन जब किसी की राय को छाप दिया जाए न्यूज़पेपर में, इन्फ्रेंस सूत्रों के हवाले से, इस सूत्र से, तो ये जो इन्फ्रेंस किसी का रेफरेंस दे के छाप दिया गया वो गलत हो जाता है, तो वैसे न्यूज़ को कहते हैं इन्फ्रेंसेस बना देना। और इन्फ्रेंसेस मतलब कि आप अगर कुछ सोच के, कुछ मतलब क्या कहते हैं, गेस करके लिख दो, कुछ आप सोच के लिख दो अपनी ओपिनियन, तो एक इंसान की ओपिनियन किसी भी चीज़ में मैटर नहीं करती है, मैटर करता है फैक्ट, डेटा, रियलिटी। अब है फैक्ट जो 20% न्यूज़ है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूज़ को कितनी अच्छे से पढ़ते हो, सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हो अधूरा अधूरा, या फिर पूरा न्यूज़ पढ़ते हो, और क्या एक ही मीडिया से पढ़ते हो या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, इट डिपेंड्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेडलाइंस, तो हेडलाइंस बनाने का तरीका बहुत ख़तरनाक होता है। टारगेट क्या होता है, एडिटर्स जब आपको हेडलाइन बनाते हैं किसी भी न्यूज़ का, तो वो ऐसा हेडलाइन बनाना चाहते हैं जो कि एग्जैग्रेशन पैदा करे, एक मतलब कि झिझोड़ के रख देने वाला हो, कि आप पढ़ो आप वाह ओ माय गॉड ऐसा हो गया, जैसे कि 4 लोगों के डूबने से हो गई मौत, ठीक है, भाई ने भाई को चाकू से मारा। अब कौन सा भाई, सगा भाई था या सौतेला भाई था, कज़न भाई था, कैसा था नहीं पता। तो अक्सर क्या किया जाता है, न्यूज़ को इस तरीके से हेडलाइन दिया जाता है कि आप पढ़ो तो एकदम आप बस न्यूज़पेपर ख़रीद लो, ख़ास तौर से फ्रंट पेज का जो हेडलाइन होता है वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो होता हमें क्या करना है, अब ध्यान देना है कि जो हम पढ़ रहे हैं डैट इज़ फैक्ट, रियल है या नहीं, या ओपिनियन है,
किसी की राय है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के या किसी पर्टिकुलर पर्सन की राय है, तो वो न्यूज़ नहीं होता, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। बहुत से न्यूज़पेपर्स बायस होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, पार्टी या रिलीजन या रीजन की सिर्फ पक्षधर होते हैं, तारीफ़ करते हैं और बाकी सबकी बुराई करते हैं। तो इसको कहते हैं बायस होना, एक तरफा न्यूज़ देना, एक तरफा चीज़ें बताना। तो मीडिया का काम कभी भी बायस होना नहीं होता है। अगर कोई भी मीडिया आपको एक न्यूज़ भी अगर उसमें आपके रिसर्च से लगे कि हाँ ये बायस न्यूज़पेपर है, स्टॉप रीडिंग दैट। बट बिफोर, आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी चैनल एनी मीडिया, आप खुद डिसाइड करें, खुद रिसर्च करें। आप अगर इस कोर्स को कर रहे हो देन यू हैव इनफ माइंड टू फाइंड आउट द राइट थिंग्स। सो बायस अगर कोई मीडिया है तो वो आपको कभी भी रियल और फैक्ट्स नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट, फेक न्यूज़। कई बार फेक न्यूज़ होते हैं क्वेश्चन मार्क्स लगा कर, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा कर, कॉमा के बाद कुछ और फ्रेज ऐड करके। तो इस तरीके से फेक न्यूज़ का भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत होता है। और सबसे ख़तरनाक होता है एग्जैगरेशन वाला, जो कि आपको झिझोड़ने के लिए आपकी अंतरात्मा को भी झिझोड़ के, हाँ देख लो या पढ़ लो, अरे क्या हो रहा भैया, सब बर्बाद हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि फला कम्युनिटी या रिलीजन खतरे में है, ऐसा जो स्टेटमेंट होता है ना, अक्सर हम इंडियंस को झिझोड़ के रख देता है और हम उनके किसी भी बात को मानने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी दो हेडलाइंस है जिससे आपको झंझनाहट, मतलब रूह तक कांप जाए, या फिर अंदर से आवाज़ आ रही है यार ये तो गलत हो रहा है, या ये तो बहुत बेकार हो रहा है, या बहुत सही हो रहा है। सही भी हो रहा है, बहुत गलत भी हो रहा है, दोनों ही केसेस में अगर एग्जैगरेशन पैदा हो रहा है आपके अंदर, झंझनाहट और दांत वाला नहीं, आपकी बॉडी में लगे कि हाँ अरे यार ये क्या हो रहा है, बाप रे बाप ऐसा कुछ फील हो रहा है, उस न्यूज़ को तो ख़ास तौर से रिसर्च करो, अच्छे से पढ़ो, दो तीन पेपर से पढ़ो। इंटरनेट है, क्विंट है, द वायर है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स अच्छा वर्क करते हैं मीडिया के फील्ड में, उनको पढ़ो जा करके और फिर फाइंड आउट करो क्या ये सही था या गलत था बिफोर गिविंग योर रिएक्शन। अक्सर लोग फेसबुक पे मीडिया में, ऑनलाइन मीडिया में रिएक्शन दे देते हैं बस एक दो लाइन पढ़कर, ये भी नहीं सोचते कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है या बायस है या फेक है या जस्ट एग्जैगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। So, dear students, now you are going to give me some examples of advertisements which you read in a newspaper or magazine. अगर आपने कोई magazine और newspaper पढ़ा है या पढ़ते हो और उसमें आपको जो advertisements दिखते हैं, आपको कुछ examples मुझे बताने हैं ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप सच में कुछ पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। और नहीं पढ़ते हो तो find out. Take the newspaper of today's one and read and tell me कि आपने कौन कौन से एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं वहाँ पे, ओके? नेक्स्ट इज अ फैंटास्टिक एक्टिविटी टुडे, दैट इज रोल प्ले। रोल प्ले करने वाले हैं आज हम लोग। एक स्टूडेंट बनेगा फैन, दूसरा बनेगा क्रिटिक। सपोज दैट मैंने दिया एक एग्जाम्पल जैसे कि पाले जी का। पाले जी बिस्किट बचपन में बहुत खाया होगा आपने, तो पाले जी का जो एडवर्टीजमेंट आता है याद है आपको? तो एक बंदा बनेगा, एक स्टूडेंट बनेगा फ़ैन कि पाले जी बिस्किट बड़ा अच्छा है यार, ये तो बड़ा मज़ेदार है, अभी भी 5 रुपये का ही मिलता है। पर दूसरा बनेगा क्रिटिक। क्रिटिक मतलब होता है जो आलोचना करे, जो उसकी कमियों को निकाले। तो क्रिटिक क्या बोलेगा? नहीं भैया, अब तो बहुत छोटा सा पैकेट कर दिया है, अब तो गिनती के 4-5-10 बिस्किट निकलते हैं, 4-5 बिस्किट निकलते हैं, तो पाले जी वाले भी चोर हैं, ठीक है? तो फैन वाला बोलेगा नहीं भैया, अभी भी उसमें कम से कम बिस्किट तो दे रहा है 5 रुपये की, कुछ खाने को तो मिल जा रहा ना ढंग का। सो दिस इज़ द रोल प्ले। आपको मैं रैंडम टॉपिक्स दूंगा, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट को बोलूंगा आप फ़ैन हो, दूसरे को बोलूंगा क्रिटिक हो, और फिर आप 1 मिनट का डिबेट करोगे। दिस इज स्टार्ट ऑफ डिबेट लर्निंग एंड वी विल एंजॉय दिस रोल प्ले ऑफ फैन वर्सेस क्रिटिक। So, dear student, today we have a second last part of the movie Bolt. Movie Bolt का second last part है ये। इसके बाद जो आएगा next part, वो last part होगा movie का। So, I hope you'll enjoy this part. I hope you'll watch this part carefully. और देखते समय कुछ सवालों के जवाब आपको लेकर आने हैं, जो कि ये 4 सवाल हैं। पहला सवाल, What did the dog believe about himself? Dog को अपने बारे में कैसा लगता था? He was thinking like he's a superhero.
और सुपर डॉग समथिंग, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक, इट्स योर ओपिनियन। आप बताओगे मूवी पार्ट देखने के बाद कि डॉग को अपने बारे में क्या भरोसा था, कैसा महसूस होता था। व्हाई डिड ही स्टार्ट डिसबिलीविंग इट, जो भी लगता था उस पर अब उसका विश्वास उठ गया, अब वो वैसा फिर मतलब बिलीव नहीं करता था। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों हुआ? हैव यू एवर फेल्ट डाउटफुल अबाउट योरसेल्फ, क्या आपको कभी अपने आप पे डाउट हुआ है? जब मैं फर्स्ट टाइम देने जा रहा था प्लेसमेंट सेल में इंटरव्यू, तो मेरे को बहुत डाउट हुआ था, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टैनफोर्ड पे पढ़ाया था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा पता नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डाउट्स होते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड रिस्क, कि आपको रिस्क लेना है और देखना है कि हाँ चलो कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पर भरोसा रखना है, डाउट्स तो होंगे ही। सो प्लीज़ टेल दिस थिंग, हैव यू एवर फेल्ट डाउटफुल अबाउट योरसेल्फ, क्या आपको कभी अपने ऊपर डाउट हुआ किसी चीज़ को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर आप डाउट फील किया कभी आपने? नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इन द लास्ट पार्ट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में जो लास्ट पार्ट होने वाला है मूवी का, उसमें क्या होगा? गेस करें, प्रेडिक्ट करें, तो प्रेडिक्ट कीजिए। और कुछ अभी प्रेडिक्ट हो गया है तो कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए, अभी। This is the passage which you need to complete and compare. Basically, in online you cannot do it with partner. In offline class we do it with partner. But in online class we have to do it with alone. So please, first of all, read these two passages. Please have a look here, like passage 1 and passage 2, and then you are going to compare these two passages among each other. Okay. So let's read. Sam Parks, a sixth grade student at the Sunnyview School, was riding his bike from home from school Tuesday. He heard a strange noise and discovered that Mrs. Linwood's tabby cat had gotten stuck on top of her 3-foot-high fence. Sam walked over and lifted the cat down to the ground. Mrs. Linwood thanked him for helping the cat named Falco. What a helpful boy, she said to reporters. So this was the first passage. Now second one, read with me. Read so that you can improve, you could improve your reading skill. On Tuesday, as Sam Paul, a sixth grade student at Sunnyview Public School, was riding his bike from home from school when he became the hero of the day. Mrs. Linwood's tabby cat Falco was stuck at the top of his mountain high fence. The cat was mewing and screaming like an injured lion. Sam could not ignore its screams, and like true hero, Sam climbed the fence in one jump and carried the cat to safety. Mrs. Linwood thankfully hugged Sam as the cat looked up at Sam in appreciation. The boy is a true hero, said Mrs. Linwood. Without his help, my Falco would have been stuck on that fence until next winter. Oh my God! So this the whole both the story is telling. Both the stories are telling about cat which was stuck in some fence. So now the question for you, that is, how are the two news articles different? कैसे दो न्यूज़ आर्टिकल्स अलग अलग हैं बताइए। विच वन साउंड्स मोर रियलिस्टिक, वाई, कौन सा वाला ज़्यादा रियलिस्टिक शो होता है? तो वो पहला वाला मुझे ज़्यादा लग रहा था, दूसरा वाले में ज़्यादा हीरोगिरी वाली बात हो रही थी, तो वो ज़्यादा रियल नहीं लग रहा, फेक चीज़ें ज़्यादा हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जो रियल नहीं लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाला रियल है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओगे। हैव यू एवर कम अक्रॉस एग्जैगरेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, क्या कभी आपने ऐसे न्यूज़ को सुना है जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो, आपको हिला के रख दिया हो? शेयर विद द क्लास, प्लीज़ शेयर विद द क्लास, सो यू आर गोइंग टू राइट सच अ न्यूज़ आइटम। सो नाउ, व्हाट इज़ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन समटाइम्स, व्हाई इज़ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन समटाइम्स एग्जैगरेटेड? न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो एग्जैगरेटेड क्यों होते हैं, झकझोरने वाले क्यों होते हैं? तो ये आपका सवाल होना चाहिए, ये आपका जवाब आपको आना चाहिए इस पर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बी की बात कर लेते हैं। आप रीड द आर्टिकल विद योर पार्टनर, ऑफलाइन में पार्टनर के साथ और ऑनलाइन में अकेले, एंड डिस्कस द क्वेश्चन। इसमें आपको एक आर्टिकल्स दिए गए हैं, चॉकलेट इज़ गुड फॉर यू,
ठीक है, चॉकलेट सेहत के लिए अच्छा होता है, तो अक्सर बच्चों को कहा था माँ बाप के द्वारा कि चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर टीथ, नॉट फॉर हेल्थ, गंदी बात, चॉकलेट नहीं खाते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा चॉकलेट ही खरीदते हैं बच्चों के लिए। सो यू आर गोइंग टू रीड दिस चॉकलेट। देखो मेरे साथ रीडिंग करो, आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्टाइल अच्छी हो जाएगी, तो मेरे साथ रिपीट करो, जब मैं पढ़ता हूँ तो रिपीट करें साथ में, ओके। मीनिंग किसी वर्ड का समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो अपने क्लास के, वहाँ पूछें, आपको मीनिंग बताया जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। चॉकलेट इज़ गुड फॉर यू, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन वेटिंग टू हियर दीज फाइव सिंपल वर्ड्स। चॉकलेट, फाइव वर्ड्स के बारे में बात हो रही है, ये फाइव वर्ड्स हैं। लवर्स कैन नाउ एंजॉय अ पीस ऑफ चॉकलेट विदाउट फीलिंग गिल्टी। डार्क चॉकलेट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स, दीज आर केमिकल्स दैट हेल्प योर बॉडी स्टे हेल्दी। इट ऑल्सो हैज सब्सटेंसेज दैट हेल्प कीप योर कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन एंड कीप्स योर ब्लड फ्लोइंग वेल। ओह माय गॉड, इतना सारा फायदा, मुझे तो आज तक नहीं पता था। Eating 100 grams of dark chocolate per day can lower both your blood pressure and risk of a heart attack. हार्ट अटैक को भी रोकेगा। ओह माय गॉड, नॉट ओनली इज चॉकलेट गुड फॉर योर बॉडी, इट मेक्स यू फील गुड, केमिकल्स इन योर ब्रेन दैट आर प्रोड्यूस व्हेन यू ईट चॉकलेट मेक यू फील हैप्पियर, मतलब खुशी भी महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस बड़े खतरनाक आने वाले, ध्यान से पढ़िएगा। What does the article not tell you about chocolate? चॉकलेट के बारे में क्या नहीं बता रहा है ये आर्टिकल? तो मुझे लग रहा है सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो बताया ही नहीं। आई थिंक सो, व्हाट्स योर ओपिनियन, बताएं। इज दिस अ बायस्ड आर्टिकल? क्या ऐसा लग रहा है ये एक तरफा और बायस्ड आर्टिकल है? आई फील सो, एंड बिकॉज इट्स ओनली एप्रेजिंग एंड टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ चॉकलेट्स। सो व्हाट्स योर आंसर, यू कम अप विद योर ओन आंसर। Have you ever come across biased news information shared with the class? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई न्यूज़ आया, इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो जो आपको लगा कि ये बायस है, बहुत एक तरफा न्यूज़ है, तो बताएं क्लास को। Why is news information sometimes biased? न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं बायस क्यों होते हैं बायस? इस आर्टिकल में जरूर लिखने वाले ने पैसे लिए होंगे चॉकलेट कंपनी से, ठीक है। अब अगला आर्टिकल पढ़ना है, वन एंड टू, रीड वन एंड वन, एंड ये है टू। इसको पढ़कर आपस में क्या करना है, आपको कॉम्पेयर करना है, तो ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। सर सैम स्टेप्स डाउन, सर न्यूज वॉज अनाउंस एंड अच्छा वे सर सैम ह्यूज इज नो लॉन्गर मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसमिस्ड द डिसेबल्ड मिनिस्टर, ह्यूज इज गॉट थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स टू जॉइन द वॉर एंड ब्रॉट थाउजेंड ऑफ डॉलर फॉर द टू द आर्मी फंड इन 1914 कनाडा वॉज कैनेडा, Canada is Hindi, Canada is English, had only 3,000 soldiers, but by the end of 1915, thanks to Sir Sam's leadership, number of Canadian soldiers increases. मतलब number of soldiers भी बढ़ा, फिर भी fight करने बताओ। Without Sir Sam, how will Canada fight the war? We should be thankful to Sir Sam. ठीक है, तो ये एक news आई जिसमें Sir Sam के बारे में काफ़ी सारी तारीफ की जा रही है। So let's understand this thing that why he got fired. So now next one, Hughes files. So now this second passage, at long time Prime Minister Borden has shown Sir Sam Hughes his incompetent minister out of the government. Now Hughes will not be able to do any more damage to Canada as a minister. Hughes was disrespected the nation by giving contracts to his friends and supporters. Why should we spill one more drop of Canadian blood in war? Britain started this war, let Britain finish it. So यहाँ पे दो आर्टिकल्स था, पहला जो था वो ऐसा लग रहा है कि बंदे का फैन था तो सिर्फ तारीफ करा है उसने, और दूसरा जो आर्टिकल था ऐसा लगता है वो क्रिटिक था जिसने बुराई करी, बुराई नहीं कह सकते आप, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बताया, जो नेगेटिव पॉइंट्स था उस मिनिस्टर का जिसकी वजह से वो फायर किया गया। तो क्या हमें बायस और क्रिटिक दोनों पे भरोसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता हमें, ना ही बायस, ना ही हमें फैन की बातों पे भरोसा करना चाहिए, ना ही हमें क्रिटिक की बातों पर भरोसा करना चाहिए। हमें दोनों को सुनना चाहिए, उसके बाद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से, अदर रिसोर्सेज की हेल्प से
जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है फाइंड आउट और वेरीफाई करके न्यूज़ को समझना चाहिए। और आज के टाइम में तो न्यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज या तो आपको बायस मिलेगा, नहीं तो फैंस की बातें मिलेंगी, ओपिनियन मिलेगा, रेफरेंसेस मिलेंगे, फैक्ट्स आर वेरी लेस, तो इस पर ध्यान देना है। अब कुछ सवाल हैं, ध्यान से देखें। हाउ आर द टू न्यूज़ रिपोर्टर्स डिफरेंट, कैसे दोनों अलग अलग हैं? मैंने बता दिया अभी आपको, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आओगे। व्हाई आर द टू रिपोर्ट्स डिफरेंट, दोनों रिपोर्ट्स अलग क्यों, जबकि दोनों में मेन आइडिया यही कि उनको फायर किया गया, निकाला गया मिनिस्टर को, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये फ़र्क क्यों है? इफ़ यू आर अ फ्रेंड ऑफ सर सैम, विच वन आर यू मोर लाइकली टू बिलीव एंड वाई? अब देखो, मैं उसका अगर दोस्त हूँ तो दोस्त लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों पर भरोसा करते हैं, अगर कोई बुराई करेगा तो यार ऐसा भी नहीं था, पर तो क्योंकि दोस्तों के साथ हर इंसान लगभग अच्छा रहता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज माइंड सेट वन, एंड वी लर्न हाउ कैन बी मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट सेक्शन ऑफ द लेसन। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर बुक्स एक्सरसाइज, नाउ इट्स द लास्ट सेक्शन एंड फीडबैक सेक्शन। सो फिर से सेम सवाल आपसे पूछने वाला हूँ जिस स्टार्टिंग में पूछा था, हाउ प्रिंट मीडिया सेप्स आवर व्यूज एंड बिहेवियर, प्रिंट मीडिया किस तरीके से हमारे व्यूज़ को, हमारे बिहेवियर को शेप कर सकती है, बताइए। थिंक एन आंसर, हाउ डू यू फील नाउ यू कैन रीड प्रिंट मीडिया स्मार्टली एंड मोर क्रिटिकली, कैसा फील हो रहा है कि अब आप स्मार्टली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को और क्रिटिकली सोच सकते हो कि हाँ इस पे भरोसा करना है, इस पे नहीं करना है, इसे समझना है तो कैसे समझना है, कैसे फैक्ट चेक करना है, जो भी हमने बताया है बुक्स एक्सरसाइज के दौरान। नेक्स्ट, हाउ डू यू प्लान टू यूज दीज लर्निंग्स, इन लर्निंग्स का इस्तेमाल कैसे करने वाले हो, बताना, बताइए अभी कभी इन कमेंट सेक्शन में, अभी कभी बताइए। और लाइक करें इस लेसन को अगर आपने कुछ सीखा है आज, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अगला लेसन सीखना चाहते हो, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये पुण्य स्वभाव का काम है अच्छी चीज़ों को, बेहतरीन लर्निंग्स को चार लोगों तक पहुँचाना। सो इट्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड गुड थिंग्स, so please share and subscribe this channel right now, see you in the next lesson, aur do mein dekhi kaise kya kya hota hai aur certification kaise kaise hota hai।